नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। शालिनी पटेल के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क बिजली न होने की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा का है, जहां पर दिन मंगलवार को पीड़ित गढ़ साकिन मौजा गेवड़ी बाबा नई बस्ती थाना कोतवाली नगर जिला बांदा के निवासी हैं। पीड़ित गढ़ों के गांव में ना तो सड़क है, ना ही लाइट है और ना ही पानी पीने की सुविधा है। पीड़ित गढ़ों को बरसात के मौसम में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात में जगह जगह गड्ढे हैं, जिसमें ग्रामीण आदि गड्ढे में गिर जाते हैं और उनको काफ़ी चोटें भी आ जाती हैं, तथा अंधेरे होने के कारण लोगों को कीड़े मकोड़े भी परेशान करते हैं और गंदा पानी पीने से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मांग है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर ग्रामीणों की शिकायतों का निवारण करते हुए गांव में लाइट, पानी व सड़क बनवाने का आदेश दिया जाए। इस मौके पर शालिनी सिंह पटेल, जेडीयू नेत्री रानी कुसुमा, जानकी माया, श्याम कली, राजकुमारी शीला भोलिया, पार्वती मंसूरिया, लल्लू राम, कंचन कल्लू सहित अन्य लोग मौजूद थे। बांदा से लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चप्पल पहने बोलत जनी के निकले का हमारा रास्ता नहीं है, हम कहाँ से जान बता। पानी भर हुआ है, प्रधान हम वोट वोट कौन को ना देबे रोड नहीं बनावे, रोड मांगे आ जाते हैं अधिकारी को वोट दे, वोटन की खीतिर भाग चले। 15 साल से मैं कहना सुनाई या ना कुछ पगल का वोटन की खीतिर हाथ जोड़ चले जनता का। आ बाबू,
देखा तो ऐसा कहूँ गरम में कहूँ निकल का बना कर दे 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 टाऊंगा चल आगे का चला आगे का चलावा आगे का चल 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 हाँ नल मठाड़ू के खींचे हो तो कहते कि फटाफट जा करे अलग अलग करे अलग अलग।